तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के ऐसे मामूली परिवार से ताल्लुक रखने वाले लड़के के बारे में जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर टीवी शो से हटकर बॉलीवुड की दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया। वो लोगों में अपने रोमांटिक रोल के लिए पहचाने जाने वाले फेमस एक्टर लक्ष्य लालवानी, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से लोगों द्वारा काफी पॉपुलैरिटी मिली। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टर लक्ष्य लालवानी की असल कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1996 से, जब दिल्ली के हिंदू परिवार में लक्ष्य लालवानी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रोमेश लालवानी और माता का नाम सविता लालवानी है, और इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम पूर्वी लालवानी है। दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई कर लक्ष्य लालवानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स एंड फोटोग्राफी की डिग्री हासिल की। लक्ष्य लालवानी बचपन से एक फौजी बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चले गए और अपने एक दोस्त के साथ रोडीज X1 में ऑडिशन दिया, जहां उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर विकास गुप्ता से हुई, जिन्होंने लक्ष्य लालवानी को अपने शो के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी। कहा जाता है कि उनके ऑडिशन से फिल्म डायरेक्टर काफी प्रभावित हुए, जिसके चलते अगले ही दिन उन्हें विकास गुप्ता का फोन आया कि आपको ऑडिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और साथ ही एक टीवी सीरियल में एक्टिंग करने का ऑफर भी मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 10 जुलाई 2015 के टीवी सीरियल वॉरियर हाई से की और इस शो को लोगों द्वारा काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद उन्होंने 2019 की फिल्म दोस्ताना 2, 2018 के फेमस टीवी सीरियल पोरस में पोरस की भूमिका निभाई। इस सीरियल में अपने शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर लायंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों कहा जाता है कि ये टीवी सीरियल जिस टीवी शो से प्रसारित किया गया था वो भारतीय इतिहास के सबसे महंगे टीवी शोज में से एक था। इस शो के दौरान जब लक्ष्य लालवानी अपने शो पोरस की शूटिंग कर रहे थे तभी वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन दोस्तों घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शूटिंग के दौरान थोड़ा भी आराम नहीं किया और अपनी शूटिंग को जारी रखा। ये भी कहा जाता है कि अपने किरदार को निभाने के लिए लक्ष्य लालवानी ने घुड़सवारी, नौकायन और तलवारबाजी जैसे कई प्रशिक्षण भी लिए। लक्ष्य लालवानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने थ्रिलर और एक्शन जॉनर में काम करना सबसे ज्यादा पसंद है। वो प्रोड्यूसर विकास गुप्ता को अपना गॉडफादर मानते हैं। दोस्तों वो कुत्ते के बहुत शौकीन हैं और उनके पास एक कुत्ता है जिसकी तस्वीरें अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें जिम जाना भी बहुत पसंद है और वो नियमित रूप से जिम किया करते हैं। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस रश्मि देसाई और लक्ष्य लालवानी के अफेयर की चर्चा अफवाह में है। उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य लालवानी की लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। लक्ष्य लालवानी से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।